श्री गुरवे नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। दोस्तों, ये जो हमारा मन है, इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अधिक हैं। हमारा मन बहुत एक पावरफुल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। और दोस्तों, हमारा मन जितना ज़्यादा पावरफुल है, उतना ही ज़्यादा चंचल है। और अपनी चंचल अवस्था में विचार बहुत ज़्यादा होने से, विचारों की अधिकता के कारण हम इसका उतना पावरफुल प्रयोग नहीं कर पाते। अगर हम मन की चंचलता कम कर सकें और उसको बिखराव से जुड़ाव की ओर लाएं, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं हम इसे। अब इसे इस तरह समझिए, एक छोटा प्रकाश देने वाला बल्ब, एक छोटा बल्ब जो एक टॉर्च में यूज होता है, उसे हम टॉर्च से बाहर जलाएं तो कितना प्रकाश देगा? एक सीमित प्रकाश होगा। लेकिन जब हम उसी बल्ब को एक टॉर्च में लगा देते हैं तो प्रकाश काफ़ी दूर तक जाता है। ऐसे ही अगर उसी प्रकाश को और ज़्यादा घनीभूत किया जाए तो वो लेज़र की वो लाइट बन जाता है कि जो कईयों मील, दसियों मील दूर तक वो लाइट जाएगी, जा सकती है। और उसी प्रकाश को हम इतना घनीभूत करके लेज़र में यूज कर सकते हैं जो कि बड़े से बड़े फौलाद को चीर सकती है। और यही वो तकनीक है प्रकाश की, जिसको कि आज लेज़र के रूप में हम तकनीक में यूज करते हैं, बहुत बड़ी साइंस में यूज करते हैं। इसी तरह हमारा मन है, अगर हम इसको जितना घनीभूत करते जाएं, विचारों से हीन करते जाएं, इसकी को जितना थॉटलेस बनाते जाएं, एक समय में एक ही थॉट पे वर्क करें, एक ही विचार पे हम एक साथ एक समय काम करें। जैसे कि एक बार में हमारे बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कुछ और भी सोच रहे होंगे, और आज का अपना कोई प्रोग्राम होगा उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, बहुत सारी बातें आप इस समय सोच रहे होंगे, और साथ ही मुझे भी सुन रहे हैं, और सारे काम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक थॉट पे होते हैं तो आप वो बहुत गहरे से समझ पाते हैं, या उस कार्य को बहुत गहरे से कर पाते हैं। तो आज हम अपने आप को, अपने मन को मजबूत करने के लिए, मन को थॉटलेस बनाने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए समझेंगे किन माध्यमों से हम मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। हमारी आज की और कल की सभी स्थितियों को बदल सकते हैं। हमारा ये जीवन, भौतिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति हम सिर्फ एक मन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसे कैसे हम पावरफुल बनाएं, इसके लिए सिर्फ तीन माध्यम हैं जिसके द्वारा मन को बहुत शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तीन कारण, तीन माध्यम, और उन तीन माध्यमों को हम समझेंगे। वो तीन माध्यम कौन से हैं? सर्वप्रथम तो ध्यान के द्वारा सीधे सीधे मन को अगर हम ध्यान विधियों से कंट्रोल करने का अभ्यास करें तो मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, वो आगे चल के सभी बताई जाएंगे कौन कौन सी विधियां हैं। भक्ति योग में भी ध्यान में जा सकते हैं आप, तो ध्यान के भी बहुत सारे मार्ग हैं। अच्छा, दूसरा माध्यम है श्वास का, जो हमारे श्वास है, श्वास प्रश्वास है, हम जो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं,
ये हमारे जो प्राण हैं यही हमारे पूरे शरीर को संचारित कर रहे हैं। सारा शरीर हमारा इन्हीं प्राणों से संचालित हो रहा है। और अगर हम अपने प्राण वायु को शुद्ध कर लें, शक्तिशाली बना लें, तो हम अपने शरीर को भी शक्तिशाली बना लेंगे, मन को भी शक्तिशाली बना लेंगे, और कितना शक्तिशाली बना लेंगे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक पावरफुल शक्तियाँ हमारे पास होंगी, हो सकती हैं, जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे एक प्राणायाम करने से हमारे अंदर आने लगती हैं। तो वो प्राणायाम हम कैसे श्वासों पर कंट्रोल करें, इसके लिए है प्राणायाम। हम प्राणायाम के द्वारा अपने आप को, श्वासों को मजबूत बना सकते हैं और मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे श्वासों की गति पर हमारे मन की चंचलता बहुत निर्भर करती है। हमारे जितनी ज़्यादा अधिक सांसें हम लेंगे, उतना ही मन हमारा अधिक चंचल होगा। हमारी सांसें जितनी स्थिर होंगी, उतना ही हमारा मन स्थिर होगा। हमारा मन स्थिर होगा तो हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, कोई भी बात अच्छे से मेमोरी में रख पाएंगे, क्योंकि ठीक से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे तो मेमोरी में भी रख पाएंगे। और यही एकाग्रता हमारे आध्यात्म में भी, भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में, दोनों में हमारा प्राणायाम बहुत महत्व रखता है। और हमारी लंबी आयु, हम अपनी जितनी आयु हमारी है उससे दुगना तिगना भी जी सकते हैं, अगर हमने अपने प्राणों को मजबूत बना लिया, और वो संभव है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम में कौन कौन से करने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए, किसको कैसा करना चाहिए, क्या, वो सब बताएंगे। और तीसरा माध्यम है हमारी दृष्टि। हम अपनी दृष्टि के द्वारा अपने माइंड को, मन को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉटलेस बना सकते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि जब स्थिर रहती है तो हमारा मन स्थिर रहता है। जब भी हमारे मन में एक विचार आता है और दूसरा जाता है, या पहला जाता है दूसरा आता है, तब हमारी दृष्टि थोड़ी सी हिलती है, स्थिर नहीं रहती। तो उसके लिए हमें त्राटक करना चाहिए, और त्राटक हमारे नेत्रों के लिए बहुत एक अच्छी क्रिया है योग की, जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं, मन को स्थिर रख सकते हैं। और हमारी आँखों में एक विशेष पावर, विशेष शक्ति समाविष्ट हो जाती है, और बहुत ही दिव्य स्थिति हमारे साथ, चमत्कारिक पूर्ण स्थिति हमारे साथ होने लगती हैं। तो यहाँ सिर्फ मन को साधने से मतलब है, बाकी चमत्कारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तो आएंगे। जब आप त्राटक करेंगे, अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करेंगे, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जब आप किसी एक पॉइंट पर मन को एकाग्र करेंगे, तो त्राटक बहुत तरह के होते हैं। तो पहला जो त्राटक, हल्के हल्के त्राटक शुरू करने चाहिए, काफ़ी कठिन त्राटक भी होते हैं, कुछ सरल त्राटक होते हैं। तो सरल त्राटक में सामान्य हम एक दीवार पे एक बिंदु बनाकर उसे एक टक देखना, और ये एक टक देखना भक्ति वाली स्थिति में भी होती है। जैसे भक्त जब गहरे भाव में होते हैं अपने इष्ट के, अपने भगवान के, या जो भी अपने इष्ट के जब गहरे भाव में होते हैं, तो टक टक लगा के बस देखते रहते हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ उन्हें अपना होश नहीं रहता, सिर्फ एक टक देखे जाते हैं, वो टक टक ही ऑटोमेटिक लग जाती है, मन स्थिर हो जाता है वो टक टकी के कारण। तो ऐसे ही त्राटक
आध्यात्म के लिए, अपने भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, ये तीन माध्यम, एक तो मन को मेडिटेशन के द्वारा, दूसरा श्वासों को प्राणायाम के द्वारा हम कंट्रोल करें, और तीसरा त्राटक के द्वारा हम थॉट्स कंट्रोल करें। तो ये तीन माध्यम हैं। हम शास्त्रों में उलझते हैं, शास्त्रों से हमें कुछ पता नहीं चलता, शास्त्र सिर्फ उलझाते हैं। तो अगर हम कुछ करेंगे तभी कुछ समझेंगे। आप बहुत समय शास्त्रों में बिता चुके हैं, शास्त्रों को सुन चुके हैं, आगे भी 10 साल बाद सुनते रह सकते हैं, बढ़ेंगे कहीं नहीं, कोई विकास आपका नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने से कभी किसी का विकास नहीं हुआ, करने से होता है। किसी रेसिपी को आप पढ़ते रहोगे तो कोई डिश नहीं बनने वाली, बनाने से बनेगी। तो जो होगा करने से होगा। तो हमें शास्त्रों में नहीं उलझना है कि वहाँ ऐसा ये वैसा वो, उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। हमें सिर्फ अपने मन को, थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। उसके लिए ये तीन विधियाँ हैं, और अगर हम तीन विधियों को ठीक से मन लगा के करेंगे, नियमित करेंगे, और इसके साथ कैसे कैसे करना है वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा, और उनमें क्या सावधानियाँ रखनी है, किन गलतियों से बचना है, सभी कुछ प्रैक्टिकल आगे के वीडियो में समझाया जाएगा। अब इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो अगले वीडियो में मैं इसमें से तीनों में से एक सब्जेक्ट लूँगा, और उस एक सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद अन्य दो पर बात करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, वो किया करिए भाई, हौसला बढ़ाता है। और आप हौसला बढ़ाएंगे, मुझे लगेगा कि आप लोग गंभीर हैं, तो मैं भी बहुत गंभीरता के साथ आपको कुछ बता पाऊँगा, सिखा पाऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स और बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।